गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं सब, मेरे व्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप आगे शायद लाइक करना भूल ना जाए, तो मेरा फर्ज बनता है बताने का। तो लाइक कर दिया, आगे बढ़ते हैं। तो सुबह सुबह गर्मा गर्म मम्मी के हाथ के आलू के पराठे, क्यों? क्योंकि निकलना है कॉलेज के लिए और गेट रेडी विद मी आपके लिए शूट कर रही थी। तो स्टैंड थोड़ा सा कैमरा परेशान कर रहा था, तो उसे फिक्स करने में मैं लगी हुई थी। तो फाइनली गेट रेडी विद मी शूट हो गया है, आप सबके लिए जल्दी ही आएगा और पहुंच जाते हैं कॉलेज। तो इस कॉलेज की दूसरी ब्रांच में जा रहे हैं। सामने देख के चला, सामने देख के चला, देख फुल कर्णिका का चढ़ावा का पानी था यार किसी जानवर का। अपने कॉलेज पहुंचते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो क्या ही झनझनाती सनसनाती हुई खबर मिलती है कि यहाँ पर नहीं, आपको दूसरे ब्रांच में जाना पड़ेगा जो कि 1.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है, क्योंकि रोड ब्लॉकेज और रास्ता बन रहा था इस वजह से। खैर वो ज्यादा दूर नहीं था, तो इजिली हम सब वहाँ पे पहुंच जाते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाता है। घर जाते जाते गर्मियों का मौसम, तो तरबूज एंड देन उसके बाद कुछ तीखे में मन था, तो भाई ये गोलगप्पे, इन भैया के जो गोलगप्पे होते हैं सीरियसली परफेक्ट, एक परफेक्ट पानी पूरा परफेक्ट गोलगप्पा जिसको कहते हैं वो इनका ही रहता है। अगर आप सब प्रयागराज आते हैं तो यहाँ इन भैया की पानी पूरी ट्राई करने के लिए ज़रूर से विज़िट करिएगा। मैं नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट शॉर्ट्स में आप सबके लिए फुल एड्रेस वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। पापा को तीखा एंड मीठा साथ में पसंद है, तो उन्हें मिक्स करके दिया, एंड उसके बाद मुझे तो सिर्फ तीखा पसंद है, तो तीखा गोलगप्पा हाय यम। एंड देन उसके बाद थोड़ा सा तरबूज खाया, हम मैगी और पास्ता तीखा बना देता, बड़ा तीखा लगता है। वैसे मेरी मम्मी को तीखा बहुत ज्यादा पसंद है, बट हम कोई नाश्ता बनाते हैं तो उनको बहुत तीखा लगता है कि तीखा मत खाया करो, तीखा मत खाया करो। तो वही मैं मम्मी को ताना देते हुए, शाम का मौसम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो रखा था, और जो हम लोग शादी में गए थे तो ये वहाँ के लड्डू हैं, शादी के लड्डू बांटे जा रहे हैं। और शाम को मैंने बनाया था ढेर सारी वेजेस डालकर कटलेट, जो कि बहुत यम बना था। एंड देन उसके बाद मैं अपने बालों से खेल रही थी, तो आगे आपको बहुत एक फनी पार्ट आपको वीडियो को देखने का मिलेगा कि मम्मी पापा के बीच में शर्ट लगी थी किसका पेट ज्यादा है, और देखते हैं कौन जीता। रात को मैंने बनाया था लौकी के कोफ्ते और मम्मी ने रोटी। ये माता जी यहाँ 45 का दिन पेट खोला, पेट खोला, ये आया है 52। नहीं 52 नहीं होगा, हाँ 50। छोड़ दे, छोड़ दे, नहीं फिर से छोड़ा, छोड़ दे, नहीं तू छोड़े ना, आया झूठ बोला था। फुला देखा, फुला 48, नहीं ठीक है 50, 48 हमारे तो अच्छा पिछवा से ऊपर कर लेते हैं, पिछवा हमारा पचका ही पचका ना, पिछवा नीचे कर छोड़ के नापेंगे, 60 तक लेके जाएंगे। अरे देखा देखा दबाओ, नहीं ना दबाए भाई, हाँ देख दबाओ जी, दबाओ जी, नहीं दबाओ जी, पेटवा कैसे दबाओ था, छोड़ा पूरा, छोड़ा पेटवा पूरा, छोड़ा 47, आप देखा इतना ढीला 47 दबा पेटवा दबा लिए, आपको 50 है इनका 46, नहीं नहीं 46 दबा लिए थे पेटवा, ये दबाओ बहुत चला ना करे, पेट दबाए दिखाया नहीं, हां छोड़ो बहुत चला, वही कह रहा है ना, पेट ना दबाए, गद्दा वाला का ही गला बहुत जीता, तो कौन जीता कौन जीता, हम खीरा खाए ना, अच्छा खीरा खाए नहीं, वो तो बढ़ गया। गाइस आप बताइए मम्मी एंड पापा में से कौन जीता। और इधर बीच मेरी वापस से जो मेरे हाथ में ब्लॉकेज हो गई थी, नस में दर्द होने लगा था, तो अभी मेरा दर्द ट्रांसफर हो गया उसी हाथ के पूरी कलाई में, और वापस से बहुत पेन हो रहा है। पट्टी बांधने से कुछ भी आराम नहीं मिला, तो फिटकरी एंड पानी से सिकाई चालू है, अब हल्का सा आराम है बट अभी भी पूरा आराम नहीं है। तो आप सबसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए खाओ पियो खुश रहो, टाटा।